अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ प्रोटीन सैलड, तो जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल डाल लिया पैन में, और ये मैंने चने पहले से बॉयल करके रख लिए थे, ठीक है। और ऑयल को हल्का सा गर्म करके इसको मैं हल्का सा बस भूनूँगी, ये देखें इस तरह से। और इसको ऑयल में अच्छी तरह मिक्स करके बिल्कुल हल्का सा आपने 1 या 2 टीस्पून आपने ऑयल इसमें शामिल करना है, ज़्यादा नहीं, कि जिसमें बस ये हल्के से फ्राई हो। और इसमें मैं क्या कहते हैं नमक शामिल करूँगी, ठीक है, और रेड चिली शामिल करूँगी। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँ, फिर उसके बाद इसमें नमक मिर्च शामिल करेंगे हम। मैंने 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिली ली है, ये देखें, और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक आप नमक मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं, जितनी आप ज़रूरत के मुताबिक आप जितनी खाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप इसमें अपनी नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और ऑयल में हल्का सा इसको पकाऊँगी, फ्राई करूँगी, ताकि इसमें नमक मिर्च भी जो है वो थोड़ी सी पक जाए। तो चलिए इसको हम बॉल में निकाल लेते हैं। ये जो चने हमने फ्राई किए हैं, इनको मैंने सबसे पहले बॉयल किया था, ठीक है, और इसके बाद मैंने फ्राई किया। और अभी मैंने ये खीरा लिया है और इसकी मैं कटिंग करने लगी हूँ। आप चाहें तो 2 खीरे ले लें इसमें शामिल करने के लिए, चाहें तो आप 1 शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं इनकी कटिंग कर लूँगी, और इनके मैं 3-3, 4-4 पीसेस कर लूँगी कटिंग में। ये देखिए इनके मैं मज़ीद ज़रा स्लाइसेस कर लूँगी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनके स्लाइस कर लें। जिस शेप में आपने कटिंग करनी है, आप इनको खीरे लेके उनको इस तरह से काट के, तो आप इनकी इस तरह से कटिंग कर लें। चले जी, खीरे जो है उसकी कटिंग हो गई है। और अभी इसमें मैंने एक टमाटर लिया है दरमियाने साइज़ का, ठीक है, अभी मैं इसके स्लाइसेस करूँगी। इसके भी हमने इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेने हैं, जिस तरह खीरे के हमने स्लाइसेस किए हैं, इसी तरह हमने टमाटर के स्लाइसेस कर लेने हैं। इसके बाद हम प्याज की कटिंग करेंगे, और 1 अदद मैंने प्याज ली है दरमियाने साइज़ का, मैंने प्याज ली है, इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसके स्लाइसेस कर लेने हैं। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कटिंग की इसकी की, बस मैं दरमियाने से साइज़ में इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह स्लाइसेस में। और अभी हमने लिया है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, इसकी हम कटिंग करेंगे। और साथ में हम 2-3 इसमें सब्ज़ मिर्च काट लेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप सब्ज़ मिर्च जितनी आपने इसमें शामिल करनी है, आप 2 इस्तेमाल करनी है आपने, तो आप 2 इसमें शामिल कर लें। अगर आपने 3 की कटिंग करनी है तो आप 3 शामिल कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके टेस्ट के मुताबिक आप जितनी इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करना चाहते हैं आप उतनी कर लें। लेकिन मैंने 2 सब्ज़ मिर्च ली थी, उनकी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है अभी।
और अभी दो अदद इसमें मैं लीमू शामिल करूँगी, इनका रस मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। तो ये देख के मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, इसमें चने, टमाटर, सब्ज़ धनिया और क्या कहते हैं सब्ज़ मिर्च, और अभी इसमें मैं काली मिर्च शामिल करने लगी हूँ थोड़ी सी, और अभी इसमें मैं लीमू निचोड़ूंगी। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। और हमारा ये जो प्रोटीन सैलड है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये बहुत क्विक और बहुत जल्दी बनने वाला ये सैलड है, ठीक है। कोई इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना कलरफुल और कितना मज़े का लग रहा है, और बिल्कुल फ्रेश, ये देखें इस तरह से। और वो चीज़ें मैंने सारी आपको बताई हैं जो आप घर में आपके अवेलेबल हों, वो सारी चीज़ें आप इसमें इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मैंने मसाले वगैरह नहीं डाले, सिंपल सी मैंने आपको प्रोटीन सैलड की रेसिपी बताई है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो देखने में बहुत मज़े का लग रहा है, और वैसे भी जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। और बहुत जल्दी और बहुत आसान इसका बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो प्रोटीन सैलड मैंने बनाया आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और आप लोग भी जब इसको ट्राई करें, जब बनाएं, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है, और बहुत ये ज़बरदस्त और बहुत मज़े का होता है, ठीक है। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। ये वाला सैलड प्रोटीन सैलड है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना ये इसकी लुक यमी लग रही है। और आप लोग ये सैलड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और ये तकरीबन सिर्फ चने बॉयल करने पे जो टाइम लगना है, बाकी इस सैलड को बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये सैलड ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे अपनी राय का मेरी वीडियो पे इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो बाकी जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा आप लोगों के साथ एक अच्छी सी वीडियो के साथ और अच्छे से व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और क्या कहते हैं मेरे जो नेक्स्ट मैं व्लॉग बनाऊंगी, प्लीज़ मेरे उन व्लॉग को भी लाइक कीजिएगा, और अभी जो मैंने व्लॉग अपलोड किया है इसको भी लाइक करें। थैंक यू सो मच।